जिन किया अचंबा गोर था तजराज काल से डरके, तजराज काल से डरके, तजराज काल से डरके, लागी का और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कदे पालकिया में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सोर मचारण वास में ना देख्या पीछा फिरके, ना देख्या पीछा फिरके, ना देख्या र पाछा फिरके, लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ा पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ों पर का मासा, मेरे दोने ना मत छेड़ ना मोहे राम मिलन की आसा, मेरे दोने ना मत छेड़ ना मोहे राम मिलन की आसा, उन करी तपस्या गोर थी वो होए आसर अर्के, वो होए आसर हरक, वो होए आसर हरक, लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई, वो नर पाला जीत गए जिन सर धड़की रबाजी लाई, वो नर पाला जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई, कह मंगलानंद चेती और कुछ सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेती और लो सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते ये झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो र सुकर्म करके, लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके। पुनात्मा, ये किसी भक्त ने संत ने, जैसे पहले ये संत जन होते थे, ये भी परमात्मा की तरफ में ही लगे होते हैं, और जैसी भी कथा कहानी इन्होंने सुनी उनके ऊपर ये एक शब्द बनाया, इसमें बहुत अच्छा चित्रण किया इन्होंने, लेकिन अब इसमें क्या क्या प्रमाण दिए हैं कि लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, यानी कलेजे में एक विशेष कसक बना करती है।
किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा के लिए एक विशेष कसक होती है। ऐसे ही जिनको ज्ञान हुआ सत्संग, ये लोग सत्संग सुना दिया करते थे संतजन, और उन सत्संग को सुनकर पुण्यात्मा जो थी वो समर्पित हो जाते हैं, जो पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हैं और मानुष जन्म से ही वो चलते आ रहे हैं कुछ जन्मों से, वो पुण्यात्माएं उन संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर कुर्बान हो जाते हैं, उनको समर्पित हो जाते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। जैसे गोपीचंद एक राजा था, उसको ज्ञान हुआ उसी दिन राज्य त्याग दिया, बाल बच्चेदार था, 15-16 स्त्रियां थी, बालक बच्चे थे, ऐसे भर्तरी था उस, वो भी राजा था, उसने भी राज्य त्याग दिया जब उसको ज्ञान हुआ। तो दोनों ने गोरखनाथ जी से उपदेश लिया, गोरखनाथ जी के पास सिद्धियां थी, सिद्धियों के कारण वो बहुत सुप्रसिद्ध हो गए थे, और जैसा भी ज्ञान गोरखनाथ जी को था उन दोनों अपने शिष्यों को बता दिया। अब ना मुक्ति गोरखनाथ की और ना मोक्ष गोपीचंद और भर्तरी का, सिद्धियां अवश्य इनके पास थी, जिस कारण से ये अभी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटक रही है। ऐसे ही एक वाजिद नाम के राजा थे, उनको भी ज्ञान हुआ, एक ऊंट मर गया काफिले का, काफिला उसका रुक गया, कहीं जा रहे थे तो उसने देखा भी ऊंट का ना कान टूटा, ना आँख फूटी, ना टांग टूट रही, कोई शरीर में भी कितना नुकसान को नहीं, मृत्यु कैसे होगी, तो उनको बताया गया जिसका समय पूरा हो जाता है वो अचानक ऐसे ही उसी समय शरीर छोड़ जाएगा। बाजिद जी ने पूछा कि क्या मैं भी मरूँगा, क्योंकि जवान था, राजा का लड़का था, उनको बताया गया कि हाँ एक तो सब एक दिन सभी ने मरना होगा। फिर ये किसा राज भाई तुरंत त्याग दिया। इसका समाधान क्या है? अब उनके साथ जो वो कहते हैं ना पंडित और मसालची दोनों सूझ ना और न करे चांद ना रहे आप अंधेरे में, तो उनके साथ जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो ज्ञान तो सारा बता देते थे जी, भक्ति करनी चाहिए मोक्ष हो जाता है, अल्लाह खुदा की भक्ति हो तो बेड़ा पार हो जाता है, और वो खुद कख भी ना करते थे। पंडित और मसालची दोनों सूझ ना दो औरों को करें चांद ना रहे आप अंधेरे में, लेकिन उस चांदने में उसकी आँख खुल गई, दूसरी दिन राज त्याग कर जंगल में चला गया। अब जंगल में कौन सा भगवान वो बैठा कर रहा था, अगड़ा जाते मिल जाएगा, एक वैसे भ्रमणा भटकना है इस प्राणी की, काल इसको भटकाता है, अब वहाँ कामिल, फिर परमात्मा की दया हुई क्योंकि हम उसी के बच्चे हैं, जो पुण्यात्मा आज इस दास के द्वारा दिए गए सत्ज्ञान की भक्ति कर रहे हैं, और 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भी वो करके फिर भाग जाते हैं या किसी कारण से मिसगाइडेड हो जाते हैं, अब वो काल के फंस जाते हैं, उनकी इतनी कमाई हो जाती है, जैसे एक सतनाम की कितनी कमाई है, एक एक श्वास की, उस श्वास से आप सतनाम का जाप करते हो, इसकी कितनी कीमत आपको प्राप्त होती है। कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो न तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते हैं जिस दिन तुम ये नकली होली खेलते हो, खुशी मनाते हो, फुहारे छोड़ते हो रंग के, कहते ये नहीं, राम नाम की होली, जिसने सतनाम मिल गया उसकी, उसके घर होली यानी खुशी होगी, ना तो खुशी नहीं इस संसार में। एक भगत कह रहा था जी हमारे 7 साल हो गए, हमने कोई भी त्यौहार नहीं मनाया, क्यों, कभी तो घर में मौत होगी, काका का लड़का मर गया, मेरा खुद भाई की मृत्यु होगी, अगले साल एक बहन होगी की मृत्यु होगी, बहन विधवा होगी, फिर अगले साल ऐसे ही फिर और घर में मृत्यु होगी, यानी 7 साल हो गए हमने त्यौहार नहीं मना दिए। तो पुण्यात्माओं यहाँ क्या पर त्यौहार मनावे, नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे किस विध रजा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानों केड़ा हासावे। अब जिनका मर गया वह त्यौहार नहीं मनावे, फ्रीब के हो गया भाई भी मना लो, और जो जिनका ना चोट लगी वह नाचे कूदे, तो जब संत हो जाओगे ज्ञान हो जाएगा फिर यहाँ के किसी भी बकवाद में आपका मन लागे को नहीं।
अपने आप हटेगा, आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आज नाच रहे कल के रखे बिजली गेर दे कालयु, भगवान रुष्ट हो जाएगा, परमात्मा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा करें। तो फिर आप करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, फिर वो चोट मार देगा, फिर वो त्यौहार मना के दिखाइयो तुम। तो इसको ज्ञान से समझना है। जैसे भक्त क्या कहते हैं जी, आपके नियम बहुत तगड़े, आपके गुरु जी के नाम तो ले लें हम। अरे नियम है ये तो बेमतलब कि हम खाम का झंझट गड़मा घाल रहे थे, ये तो वैसे ही नहीं करने चाहिए थे। दारू पीना, बीड़ी पीना, मांस खाना, नाचना कूदना, ये कोई अच्छी बात थी? ये तो वैसे नहीं करने चाहिए थी हमने। अरे तुम करण लग रहे, हम तो इस अड़ना हटावा हाँ तुम्हारे ने। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। ना जाने काल की कर डाले, किस भी दल जा पास आवे, जिनाते सरते मौत खड़ुक दी, उन्होंने केड़ा हंसावे, फिर क्या पर नाचे कूदा इंसान। इसलिए हम वैसे ही आप जी को समझाने की चेष्टा करते हैं कि ये बुराइयाँ हैं, इनको नहीं हमने करना, परमात्मा से डर कर चलना होता है। हमने अपनी सत्साधना को करना है। सत्साधना गुरु जी से उपदेश लेकर ही बनती है, और ये कोई आज की नहीं। आज जैसे कोई व्यक्ति सुखी खुशी मना रहा है, कहते हैं सतनाम पालड़ रंगोरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। इस ब्रह्मांड के अंदर तीन लोक, एक तो ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इससे अलग 14 लोक और हैं। ये सारे ब्रह्मांड की सामग्री आएगी इसकी, एक ब्रह्मांड की। कहते हैं एक सांस उश्वास के मंत्र तें, एक सतनाम के जाप से प्रॉपर वे तें, पूरे संत ते उपदेश हो, मर्यादा में रह रहे हो, तो उसकी एक श्वास उश्वास के सिमरण की कितनी कीमत है? तराजू के यानी बैलेंस के, ताखड़ी के एक पलड़े में तो श्वास उश्वास सतनाम के दो अक्षर के नाम के जाप की कीमत एक पालड़े में रख दे, और उसके बराबर दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोकों में कौन कौन से लोक हैं? जैसे शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ये और जैसे स्वर्ग अलग से, इनके आगे फिर डिवाइडेशन है, फिर जहाँ ये काल रहता है उसको भी अलग लोक बताया है। तो ऐसे ये 14 लोक नीचे के अतल बतल ये अलग से हैं, 6 और हैं नीचे, 7वां पाताल लोक है। तो ऐसे ये 14 लोक कहते हैं एक पालड़े में दर्दे, और ये तीन लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन तो पास सिंह रख दे। अब पास सिंह डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिन पास सिंह देखी ने, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस आएगी, ये तराजू आएगी तोलन के। हमने देखे हैं पहले एक डंडी सी हुआ करती, एक डंडी, और उसके बीच में सेंटर में एक पकड़न का ऐसे रस्सी सी बांध दी जाती थी, और उसके दोनों किनारा पर तराजू के वो पलड़े लटका दिए जाते थे रस्सियों से बांध कर, और उनका बैलेंस देखने के लिए उस बीच के डंडी के बीच के उस रस्सी को पकड़कर ऐसे कर देते थे। तो दोनों तराजू के पलड़े यदि एक दिशा में होते, एक उसमें और वो पलड़ी की डंडी सीधी होती तो वो ठीक है, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी कोई वो डिसबैलेंस होता तो जो जैसे कोई चने तोल रहा है या गेहूं तोलने आया है सौदा करने, तो उस गेहूं में से एक मुट्ठी गेहूं उठा कर और उस डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए, वो उसकी जो उसके अंदर जो डिफेक्ट था वो निकालने के लिए, उस गेहूं को बट्टों की तरफ रखा करते थे, और उसको पास्यंग कहा करते कि तेरी तखड़ी में पास्यंग है, पास्यंग मीन डिफेक्ट है। तो वो पास्यंग पूरी करने के लिए जिस कणक का सौदा करते थे उसमें से मुट्ठी भर लेकर और उसको बैलेंस करते थे, उसको एक जैसा बनाते थे कि वह डिफेक्ट ना रहे, उसमें कांड ना रहे। तो वो पास्यंग के इतने गेहूँ होया करें, और बाकी सौदा जो होता था उससे पता नहीं 100 बोरी का 20 बोरी तोला करते, वह पास्यंग इतनी रखी होती थी एक साइड में यूजलेस। तो कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहेब छुड़ानी वाले जी क्या बता रहे हैं, भाई सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तीन लोक ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और